नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आसीन कस्बे के राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परिसर में चल रहे 6 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ, जिसमें सीबीईओ गायत्री आर्य, एडिशनल सीबीईओ लोकेश शर्मा, शिविर प्रभारी तुलसीराम कुमावत, आनंद कुमार आदि की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित करके हुई। वहीं एडिशनल सीबीईओ भंवरलाल सैन ने प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के पश्चात अपने विद्यालय की बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से बालिकाओं को सशक्त करना होगा। वहीं ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गायत्री आदि ने संबोधित करते हुए बताया कि विद्यालय में बालिकाओं को आत्म सुरक्षा की ट्रेनिंग देकर उनका मनोबल एवं आत्मविश्वास बढ़ाने का पूर्ण प्रयास करना होगा। शिविर में भाग ले रहे शारीरिक शिक्षक मौरध्वज सिंह ने कविता के माध्यम से महिला सुरक्षा एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की विस्तृत जानकारी दी। वहीं मास्टर ट्रेनर सुनीता सिंह ने कार्यक्रम का मंच संचालन किया तथा विद्यालय में लगने वाली गरिमा पेटी के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बालिकाओं की समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण किया जाए एवं अपने विद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा दल का गठन करके बालिकाओं की टीम तैयार करने के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 9,000 रूपये की राशि राज्य सरकार के द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं शिविर में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गायत्री आर्य, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भंवरलाल सैन, लोकेश शर्मा, संगीता देवड़ा, दिव्या रानी मौजूद रहे। जो ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का जो ये 6 दिवसीय आयोजन हुआ था, जिस उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन हुआ था उसके बारे में समझें। सर, हमारे यहाँ पे 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जो ब्लॉक स्तरीय था। इसमें 151 गवर्नमेंट स्कूल्स के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। ये सभी प्रतिभागी अपने अपने विद्यालयों में जाकर बालिकाओं को आत्मरक्षा टेक्निक्स में पारंगत करेंगे और इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य था कि आज हमारा जो सामाजिक परिवेश अशुद्ध होता जा रहा है और असुरक्षा के माहौल में जो हमारी बेटियां और महिलाएं जी रहे हैं, तो इन प्रशिक्षणों के माध्यम से कुछ हद तक हमारी बालिकाओं को सुरक्षित महसूस किया जा सके और विषम परिस्थितियों में जब कभी वो अपने आप को महसूस करें तो वो खुद अपना डिफेंड कर सके, अपनी सुरक्षा खुद कर सके, इसी उद्देश्य के साथ ये प्रशिक्षण चलाया गया है। सुनीता सिंह, मास्टर ट्रेनर। इसमें 151 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। 13 से 18 तारीख तक ये शिविर चला है। इसमें आज के युग में जो असुरक्षा की भावना लड़कियों में परिस्थितियों के हिसाब से जागृत हुई है, उसका सामना करने की ट्रेनिंग के आरपीएस द्वारा दी जाती है। कुछ क्लासेस होती हैं और कुछ आउटडोर प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं और हमारे जो केआरपीज द्वारा इन 151 प्रतिभागियों को बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रशिक्षण दिया गया है। ये जो पीटीआईज इसमें शामिल हुए हैं 151, ये अपने स्कूल में जाकर बच्चियों को इसमें आत्मरक्षा में ट्रेंड करेंगे। Audio Jungle.